दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपको कोई जरूरी यूपीआई पेमेंट करनी है और आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि जितने की आपको यूपीआई पेमेंट करनी है वो आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फिर भी वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो है तो फिर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आप जानना चाहोगे कि वह आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आरबीआई ने एक न्यू अपडेट दिया है जिसमें कि अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो है तो फिर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको इस सर्विस के बेनिफिट बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस सर्विस का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स अब देरी न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस सर्विस के बारे में। दोस्तों जो ये सर्विस है, जो ये आरबीआई के द्वारा अपडेट दी गई है, अभी हाल ही में चालू हुई है, जो लास्ट सितंबर मंथ में चालू हुई है। दोस्तों अगर इस सर्विस के नाम की बात करें तो इस सर्विस का नाम है यूपीआई नाउ पे लेटर, जो बिल्कुल बाय नाउ पे लेटर की तरह काम करता है। अभी तक आप अपनी यूपीआई आईडी में सिर्फ सेविंग अकाउंट, ड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड को जोड़कर यूपीआई पेमेंट कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब एक ऐसा अपडेट आ गया आरबीआई के द्वारा, अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो है तो फिर भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, जिसे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन कहते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन सर्विस क्या है। दोस्तों इस सर्विस में आपको एक क्रेडिट लाइन मिलती है जो आपका बैंक तय करता है, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वह बैंक तय करेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसके बेस पर आपको एक क्रेडिट लाइन देगा जिसे आप यूपीआई ऐप में यूज कर सकते हो, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, पेटीएम और अदर से यूपीआई ऐप हो गया, जिसमें आप इस क्रेडिट लाइन को यूज कर सकते हो। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप इस सर्विस को एक्टिव कैसे करवा सकते हो। दोस्तों इस सर्विस को एक्टिव करवाने के लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है उस बैंक में आपको जाकर इसके सर्विस को एक्टिवेट करवाना होगा। आपको बैंक में जाकर बोलना है कि मुझे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन सर्विस एक्टिवेट करवानी है या यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस एक्टिव करवानी है, फिर आपकी रिक्वेस्ट पर वह बैंक आपकी यह सर्विस एक्टिवेट कर देता है, और कोई बैंक तो आपसे चार्ज लेता है और कोई बैंक आपको ये फ्री में भी सर्विस दे देता है। अगर इसके चार्जेस की बात करें तो अभी इसका चार्जेस ज्यादा नहीं है, सिर्फ ₹150 इसका चार्जेस रखा गया है, वो भी कोई कोई बैंक आपसे लेता है। दोस्तों ये तो इस सर्विस के बेनिफिट और फीचर्स। अब जान लेते हैं इस सर्विस का एक बहुत ही बड़ा नुकसान। दोस्तों इस सर्विस में आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो सिर्फ मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करके ही आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आप अपने दोस्त या किसी जान पहचान वाले का क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हो, सिर्फ मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करके इसे यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा इसका नुकसान, आप किसी को कैश ट्रांसफर नहीं कर सकते इस सर्विस में। तो फ्रेंड्स ये था यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस का डिटेल, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो का एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।